नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आपके साथ वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की बातें शेयर करता हूं। आज का जो विषय है वो है वेस्ट फेसिंग शॉप। आपकी अपनी जूते की दुकान है, शूज़ की शॉप है, तो उसमें सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी है। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं या आपकी अपनी दुकान बनी हुई है या आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको अपनी सेटिंग करनी है। आपका जो बाहर का एरिया यानी आपकी जो दुकान है वो बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। बाहर का एरिया, रोड का एरिया या आपके फुटपाथ का जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ खड्डे वाला नहीं होना चाहिए। बाहर के एरिया को आपने बिल्कुल स्मूथ प्लेन करना है। यहाँ पर जो आपका शटर है, शटर आपका वाइट कलर या सिल्वर कलर का ही होना चाहिए। आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप अपना गेट वेस्ट सेंटर में लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ चौड़ाई कम है तो आपको अपना गेट नॉर्थ वेस्ट कोने से वेस्ट सेंटर के बीच में ही आपको गेट लगाना है। आपने अपनी दुकान के अंदर जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने साउथ वॉल पर करनी है। साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक कंप्लीट आपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है। ऐसे ही ईस्ट वॉल पर आपने ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक आप यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं, और जो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर है यहाँ पर आपने अपने डिस्प्ले करनी है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ वॉल पर भी आपने अपनी डिस्प्ले करनी है। जो आपका फ्रंट का भाग है, फ्रंट में गेट के एरिया से लेकर और साउथ वेस्ट कॉर्नर तक यानी वेस्ट सेंटर से लेकर साउथ वेस्ट तक यहां पर भी आपने अपनी डिस्प्ले बनानी है। ओनर की जो सीटिंग बनानी है वो सीटिंग आपकी साउथ वेस्ट में आएगी और ये आपका अपना काउंटर आ जाएगा। ओनर की जो सीटिंग है वो साउथ वेस्ट में आ जाएगी। इसके साथ जो आपका फ्रंट का हिस्सा है इसमें जो काउंटर बनेगा वो आपका एल शेप का काउंटर बन जाएगा। उसके ऊपर आपकी कंप्लीट अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। काउंटर के अंदर कैश बॉक्स आपने कहाँ बनाना है? कैश बॉक्स ओनर के राइट हैंड पर या सामने बनाना है। एक कैश बॉक्स आपने साउथ वॉल पर भी बनाना है जो कि आपका नॉर्थ की ओर ओपन होगा। इस कैश बॉक्स के अंदर जो आपने साउथ में कैश बॉक्स बनाना है ये हमेशा नॉर्थ की ओर ही ओपन होगा। इस कैश बॉक्स के अंदर, इस गल्ले के अंदर आपने अपनी चेकबुक रखनी है और जो आपकी दिन भर की जो सेल है बड़ा पैकेट बन जाता है उस पैकेट को आपने उठाकर अपने साउथ वाले ड्रॉर के अंदर रखना है, कैश बॉक्स के अंदर रखना है। जो आपके यहाँ सेल्समैन आते हैं उनको जो आपने पेमेंट करनी है वो पेमेंट हमेशा ही साउथ वाली ड्रॉर से ही करनी है। इसी के साथ जो कस्टमर की सीटिंग है, कस्टमर की सीटिंग आप यहाँ पर आप अपने कस्टमर की सीटिंग करें जो कि कस्टमर यहाँ पर भी बैठ जाएगा आपका नॉर्थ की ओर फेस करते हुए, और ज़्यादा कस्टमर होंगे तो आपके यहाँ पर भी बैठ जाएंगे साउथ की ओर फेस करके। यहाँ पर आपका स्टाफ जो कस्टमर को सामान दिखाएगा, जूते चप्पल जो दिखाएगा वो आपका सेल्समैन वो यहाँ पर
बैठ जाएगा। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं तो आपकी जो दुकान है उसका जो स्लोप होना चाहिए वो साउथ से नॉर्थ की ओर ही होना चाहिए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ वेस्ट से, आपकी दुकान का जो स्लोप होना चाहिए वो साउथ से नॉर्थ की ओर ही होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी आप नॉर्थ सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इस भाग में आप पीने का पानी रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोने में भी आप पीने का पानी रख सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी और नॉर्थ के भाग में भी आप पीने का पानी रख सकते हैं। जहां आपको स्पेस लगे वहां आप पीने का पानी रख सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है जो मयूर जग का कलर है वो ब्लू कलर ही होना चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं मंदिर की। आपने अपनी दुकान में मंदिर कहाँ बनाना है। जो आपकी मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के ठीक सामने का एरिया छोड़ के, यानी ईस्ट सेंटर से लेकर साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर इस हिस्से में है जहाँ आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप अपना मंदिर बनाएं। जो बातें मैंने आपको बताई है आप इस तरीके से अपनी दुकान का सेटअप करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।